हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का WBBSC वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का मैथ का वीडियो, जो सिलेंडर का वीडियो है, यानी बेलन पर आधारित जो सवाल है उसका वीडियो लेकर आए। सबसे पहले देखिए प्रयोग 1, ये पेज नंबर आपका मिलेगा 141 पेज। देखिए क्वेश्चन क्या दिया। एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पार्श्व तल यानी वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। तो आप जानते हैं कि बेलन का आकृति इस तरीके का होता है, ये आपका बेलन है। इसका क्या क्या दिया हुआ है, इसका व्यास का लंबाई दिया है। व्यास कहते हैं केंद्र से होकर जाने वाला जो जीवा होता है वही व्यास होता है। ठीक है, तो व्यास का लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका यहां से यहां तक को अगर हम मिला दें तो इसका हाइट हो जाता है। तो इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इसको h हम लोग सूचित करते हैं, तो हाइट कितना दिया हुआ है इसका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इसका पार्श्व तल मतलब ऊपर का और नीचे का जो तल है इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इसके वक्र तल होते हैं इसको पार्श्व तल बोलते हैं। ठीक है, तो बेलन का आधार का व्यास कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन के आधार का अर्धव्यास आप निकाल लेंगे। अर्धव्यास मतलब उसका आधा, तो अर्धव्यास अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का ऊंचाई कितना है, बेलन का ऊंचाई आप लिखेंगे, बेलन का ऊंचाई h 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए बेलन का क्या निकालना है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर ये इसका परिधि जो होता है उसको 2πr बोलते हैं। तो 2πr के साथ अगर हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या निकल जाता है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी 2 × π के जगह पे आप 22/7 बैठाएंगे, r के जगह पे 6 बैठाएंगे और 21 बैठाएंगे। इसको जब हल करेंगे तो 7 से काट देंगे, 3 बार में आएगा 22 × 2 = 44 और 6 × 3 = 18। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आएगा 44 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ गया, 792 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं पार्श्व तल। क्लियर हो गया। अब चलिए प्रयोग टू में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पढ़िए क्वेश्चन। एक ढक्कन युक्त बेलन की आकृति जल के टैंक के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है, तो हिसाब करके उस टैंक के समग्र तल का क्षेत्रफल। देखिए अगर समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले आर का मान निकाल लेना पड़ेगा। आर का मान निकालने के बाद तभी जाकर के हम सूत्र बैठा सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग उसी के हिसाब से आर निकालेंगे। तो एक ढक्कन युक्त
बेलन की आकृति, मतलब ऊपर नीचे दोनों ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल दिया है 616 वर्ग मीटर, ऊंचाई 21 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एक ढक्कन बनाते हैं जिसका आधार का क्षेत्रफल दिया है और इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई इसका दिया है 3 का है, ये प्रयोग 3 है, 2 बाद में बताया जाएगा। तो 3 प्रयोग में देखिए, इसका ऊंचाई दिया है 21 मीटर, ठीक है, और इसका जो आधार का अर्धव्यास है ये मान लिया जाए 8 मीटर है, जो कि हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बेलनाकार बर्तन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो 616 दिया वर्ग मीटर। आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर इसको लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 616, या इसको 22/7 बैठा देंगे, आई इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, इसको काटेंगे 11 से काट लीजिए, 11 × 5 = 55, और फिर आ जाएगा 61/68, फिर 2 से काट लीजिए 28। अब देखिए यहां पे आ क्या रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 × 7, क्रॉस गुना कर देते हैं, आर बराबर अंडर रूट 28 × 7, आर बराबर आएगा, इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो 4 × 7 = 28, यानी 2 × 2 × 4 × 7 × 7, ठीक, या आर बराबर 2 × 7, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसका आर हमें मिल गया, जब आर मिल ही गया है और ऊंचाई दे ही दिया, तथा ऊंचाई बराबर 21 मीटर, ठीक, ऊंचाई मिल गया है, आर भी मिल गया है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में, आधार का अर्धव्यास मीटर में, तो ये दोनों मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे, इसलिए बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, अब देखिए संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है 2πRh, ये तो पार्श्व तल का हुआ, अब प्लस 2πR², ये ऊपर और नीचे दोनों मिला के, पाई आर स्क्वायर ऊपर है और नीचे पाई आर स्क्वायर, 2πR² कॉमन आ जाएगा 2πR, तो यहां पे आएगा एच प्लस आर, 2 × 22/7, आर के जगह पे 14, एच के जगह पे 21, अब प्लस आर के जगह पे 14, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 7 को यहां से काट दीजिए, 7 × 14, तो आ जाएगा 2 × 22 और गुना 2, और इसको जोड़ दीजिए तो आएगा 35, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88 और गुना 35, अब 88 और 35 ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है, अब वो है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो इस जगह हम थोड़ा सा गुना कर लेते हैं इसको, 35 और 88, 40 बाकी 4, 24 और 4 = 28, यही चीज आएगा फिर
जीरो एट टू, जीरो एट जीरो थ्री, कितना आ गया 3080 वर्ग मीटर, चूंकि सब मीटर में दिया हुआ है इसलिए वर्ग मीटर, और यही इसका आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग तीन का सवाल हम लोग देख लिए। प्रयोग दो जो छूट चुका था पहले, अब देखते हैं प्रयोग दो में क्या कहता है। देखिए प्रयोग दो में लिखा है कि जिस बेलन के आधार का परिधि 44 मीटर हो और ऊंचाई 24 मीटर हो उसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है बेलन का, बेलन का परिधि दिया हुआ है, दिया गया है कि बेलन का परिधि बराबर 44 मीटर, बेलन का ऊंचाई बराबर 14 मीटर। ठीक, तो इसका ऊंचाई दिया है यानी यहां से लेकर के यहां तक इसका ऊंचाई दिया 14 मीटर, और ये जो परिधि है ये घेरा है यहां से लेकर के यहां तक, ये परिधि पूरा दे दिया है 44 मीटर। ठीक है, इसलिए बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा। तो यहां पे देखिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू एच, तो 2πr के जगह पे देखिए परिधि यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट क्या करेंगे यहां पे 44 बैठा देंगे और h 14 बैठा देंगे। अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 × 4 16, 1 इसको यहां पे गुना कर लेते हैं, 616 कितना आ गया 616 वर्ग मीटर, और यही आंसर आ गया। अच्छा, इसमें बताइए आर हम लोग क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहां देखिए जो सूत्र बताया जाता है वो है 2πrh, और 2πr क्या है परिधि होता है, तो परिधि तो यहां पर क्या है 44 मीटर दे ही दिया, इसलिए हम इसमें आर नहीं निकाले, आर निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, जस्ट हम क्या करेंगे परिधि के जगह पे बैठा देंगे और ऊंचाई के जगह पे h के जगह पे बैठा देंगे। ठीक है, और परिधि के लिए हम यहाँ पे 2πr भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे 2πr बराबर 44, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इस सवाल को, इस तरह का सवाल आए तो डायरेक्ट बैठाएंगे, परंतु यही अगर आधार का क्षेत्रफल आ जाता है तो हम इसको नहीं बैठा पाएंगे, तब हमको r निकालना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, तो इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या क्या है, नेक्स्ट सवाल में दिया है प्रयोग चार, यदि किसी ढक्कन युक्त बेलनाकार बर्तन के आधार का परिधि, देखिए यहां भी परिधि दिया 22 डेकामीटर और ऊंचाई दिया है 5 डेकामीटर, दोनों डेकामीटर में है, तो बर्तन के बाहर के समग्र तल को पेंट करने से रंगने में कितने जगह का रंग रंगना पड़ेगा। तो एकदम सेम सवाल जैसा कि प्रयोग टू में हम लोग बना चुके हैं उसी तरह से, लेकिन यहां पे कह रहा है समग्र तल, तो समग्र तल कह रहा है तो समग्र तल का एरिया निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए अगर ढक्कन युक्त बेलनाकार बर्तन है प्रयोग चार, अगर ये ढक्कन युक्त है, ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ है और नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है, इस तरह का बेलनाकार बर्तन है, ये ढक्कन लगा हुआ है बंद है और ये भी ढक्कन बंद है, इसको चारों तरफ से पेंट करना है, इसका ऊंचाई 5 डेकामीटर दिया,
ये एच हुआ इसका, ठीक। इसका परिधि जो दिया है वो परिधि दे दिया है 22 डेकामीटर। अब यहां पे चूंकि देखिए आपको ये ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ, इधर भी पेंट करना, इधर भी पेंट करना, इसलिए इसमें आपको केवल पार्श्व तल नहीं निकालना है बल्कि संपूर्ण तल निकालना है। संपूर्ण तल निकालने के लिए आपको आर अलग से लगेगा, इसलिए आर पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे दिया गया है कि ढक्कन सहित बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई को हम h मानते हैं, बराबर 5 डेकामीटर तथा आधार का परिधि दिया है जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं, परिधि 2πr बराबर कितना दिया है, बाईस डेकामीटर या 2πr बराबर 22 है या 2 × 22/7 आर बराबर 22 है, 22 काट देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे 7/2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 7/2 इसका डेकामीटर। ये क्या निकल गया, इसका अर्धव्यास निकल गया डेकामीटर। अतः बेलन का अर्धव्यास बराबर 7/2 डेका मीटर, ठीक है, अर्धव्यास निकल के आ गया जिसको कि आर हम कहते हैं। लेकिन यहां पे निकालना है कि उस बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण तल को रंग कर रहा है, तो इसलिए बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर 2πr h प्लस r। याद करिए अभी थोड़ा देर पहले इसका हम सूत्र डेराइव किए थे, ये है 2πr h प्लस r, 2 22/7 r के जगह पे 7/2 बैठा देंगे और h के जगह पे कितना दिया 5 प्लस आर के जगह पे 7/2, अच्छा एच के जगह पे 5 है और आर के जगह पे 3.5 यहाँ पे कर सकते हैं, 7-7 काट लेंगे, 2-2 भी काट लेंगे, आएगा 22 और यहाँ पे आएगा 5×3 8.5, 22/85/10 काट लेंगे इसको, 17×5 85, 5 से काटे हैं, 5×2 10 इसको 11 से काट, अब आया 11×17 वर्ग डेका मीटर और यही इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया 187 वर्ग डेका मीटर, ठीक है। आज का वीडियो यहीं शेष होता है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।